हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सब कैसे हो? तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। गेहूं को वॉश कर रहे हैं, एक पानी से दूसरे पानी से निकाल रहे हैं। और वैसे भी आज हस्बैंड की छुट्टी है, तो मैं फुल फ़ायदा उठा रही हूँ हस्बैंड की छुट्टी का। तो ये देखिए, अभी दो पानी से निकाल के अभी इस बास्केट में निकाल डाल रहे हैं हम, ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। और ये दो बास्केट रख रखी हैं, ये बर्तन की हैं, यानी कि इसमें बर्तन धो के डालते हैं और सब्जी भी धो के डाल देती हूँ, और अभी गेहूँ को भी डाल देते हैं हम। यानी कि ये तीन काम कर देती हैं। और वैसे भी ना, इस बार बहुत गंदी गेहूँ मिली थी हमें। हमें ना गेहूँ को वॉश करते करते 12 बज गए थे, तो अभी हमने डाल दी टेरेस पे इसको सूखने के लिए। और अभी हस्बैंड बैठेंगे कबूतरों का पहरा करने के लिए, और मैं अभी लंच प्रिपेयर करूँगी। तो मैं फिर से आ गई हूँ टेरेस पे, और हस्बैंड जी को बोला आप जाके थोड़ा रेस्ट कर लो और मैं बैठती हूँ थोड़ी देर। तो ये देखिए कबूतर कैसे देख रहे हैं कि कोई इधर से हिले तो हम भी आएं गेहूँ खाने के लिए। तो इस बार तो वैसे बहुत कम है, और पिछली बार मैंने गेहूँ सुखाई थी ना, बहुत सारे कबूतर थे। तो वैसे भी एक क्विंटल आप गेहूँ डाल दो ना, तो ये आधे घंटे में साफ़ कर देंगे, बिल्कुल सुखा देंगे गेहूँ को। तो ये देखिए अभी धूप भी अच्छे से है निकली हुई, शायद आज मेरी गेहूँ सूख जाएगी। वैसे मैंने इधर के मौसम में पता नहीं चलता है कब धूप कब बारिश आ जाती है। तो ये देखिए कितने सारे कबूतर आ गए हैं। चलो दाना तो खा लेना, लेकिन ये कि गंद ना डाल दें, वो डर रहता है कि अभी गेहूँ को धोया और फिर से ये गंद डाल देंगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए अभी दीवार पर बैठे हैं, और ये दीवार से उड़ेंगे तो पटली सर चले जाएँगे। ऐसे ही मैं पास में भी जा रही हूँ ना, तो अभी भी नहीं है, डर रहे हैं। ये देखिए अभी इस साइड चले जाएंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, यानी कि एक तरफ जाएंगे दूसरी तरफ बैठ जाएंगे, यानी कि देखते रहते हैं कि कब कोई इधर से हिले तो हम गेहूँ को साफ कर दें। तो ये देखिए यहाँ के कबूतरों का हाल, और ये यहाँ का व्यू देखो। अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि बादल भी आने वाले हैं शाम को, पता नहीं कैसा मौसम रहता है। तो ये देखिए अभी से कबूतरों को जूम कर रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं। अब इधर का मौसम देखो, शाम का 6:30 का कैसे हो गया। अच्छा, वो मैंने अभी गेहूँ उठा दी है, और अब पता नहीं बारिश रात को हो जाती कि नहीं, और सुबह धूप निकलती है कि नहीं। अभी कल गेहूँ को डाल सकते हैं कि नहीं, देखते हैं कैसे रहेगा मौसम कल का गेहूँ सुखाने का। तो ये देखिए अभी, यानी कि खूब अंधेरा हो गया और खूब बादल हो गए हैं। ये 6:30 का व्यू है। ये है मच्छर मारने वाली स्प्रे हो रही है, देखिए कितना धुआं डाल रही है, इससे मच्छर मर जाता है। यानी कि हर गली में ये गाड़ी घूमेगी और ये धुआं फैलाएगी ताकि मच्छर ना हो। देखिए कितना बड़ा धुआं डल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ पर। तो ऐसी गाड़ियाँ घूमती रहती हैं यहाँ, यानी हर 15-20 दिन के बाद। तो ये डिनर के लिए मैंने आलू, प्याज, हरी मिर्ची और दो टमाटर लिए हैं। तो अभी इनको लिए मैंने तड़का डाल दिया, यानी कि मेथी, जीरा और प्याज, और इसको अभी हल्का ब्राउन करेंगे हम। और उसके बाद अभी हल्दी, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी कटे हुए आलू को डाल देते हैं, अभी इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अभी मैं गरम मसाला और नमक डाल रही हूँ, और इसके बाद अभी 5 मिनट तक इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। तो ये अभी आलू पक के तैयार हो गया, अभी मैंने टमाटर डाल दिया है, तो इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अभी इसको भी ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकाएंगे। और इधर मेरा आटा भी मैंने गूंद के रेडी कर दिया है, तो ये मेरे आलू बन के रेडी हो गए हैं। देखिए अभी गल भी गए अच्छे से। तो वैसे भी मुझे ना आज समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा चलो आलू बना देती हूँ। तो ये कुछ मैंने आलू निकाल दिए हैं, और ये कुछ कढ़ाई में, और मैंने गैस बंद कर दी है। तो अभी मैं दही को ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे इसको। और अभी हिलाते रहेंगे तब तक हल्दी का कलर दही में मिक्स ना हो जाए। तो अभी ये अच्छा कलर आ गया अभी दही में, यानी कि मछली पलधे में। तो अभी इसमें नमक और थोड़ी सी मैं चीनी ऐड करूँगी ताकि टेस्ट अच्छा बने। और वैसे भी थोड़ा सा हल्का खट्टा दही था ये, तो अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी बना था ये हिमाचली पलदा। अब मैं चपाती बनाने स्टार्ट कर दी हैं। तो ये देखिए चपातियाँ कितनी अच्छी हैं, यानी कि मार्केट के आटे की चपातियाँ नहीं हैं ये, यानी कि मैं जो गेहूँ लेती हूँ उसी को वॉश करके सुखा के उसी का आटा पिसवा के ये उनकी चपातियाँ हैं।
तो देखिए कितने अच्छे से फूलती हैं और वाइट कलर भी है इनका, तो बहुत टेस्टी बनती है, यानी कि सॉफ्ट रहता है ये आटा। तो इसी तरह मैं चपातियों को बना लेती हूँ, वो सर्व करके बताती हूँ आपको। तो अभी मैं सर्व कर रही हूँ, तो ये है माचली गांव के तरीके से बनी आलू की सब्ज़ी और दही का पलदा और चपाती और सैलड। तो आप भी बताइए मुझे कि आप भी बनाते हो ऐसे, यानी कि हिमाचली पलदा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को क्लोज ना करें, आगे भी है वीडियो। तो ये दूसरा दिन है गेहूँ सुखाने का, तो गेहूँ को सुखा रही हूँ, यानी कि अभी धूप निकली थी 11 बजे के बाद ही, पहले तो धूप नहीं था। और ये देखिए अभी ये कबूतर फिर से वेट कर रहे हैं अभी, लेकिन आज बहुत कम है क्योंकि धूप ज़्यादा है आज कल से। तो अभी मेरी गेहूँ सूख रही है और साथ में मैं दूसरा काम भी कर रही हूँ। तो ये मोटे राइस हैं, इनको ना मैंने साफ़ कर दिया अभी, यानी कि इनका जो डस्ट निकालती है इससे निकाला मैंने केरे से। इसके ना केरे के चार छन्नियाँ हैं, मोटी पतली मीडियम साइज़ की हैं। इसके चावल भी छान सकते हैं, आटा भी छान सकते हैं, दालें भी छान सकते हैं, तो गेहूँ भी मैं इससे छानती हूँ। बहुत अच्छा मेरे की केरा है, बहुत यूज़फुल है। और इसका मैं तो आज चावलों को क्या करूँगी ना, धो के फिर सुखा के तो मैं आटा पिसवाऊँगी और कुछ डोसे के लिए रखूँगी, और कभी कभी मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, अच्छी लगती है मोटे चावल की खिचड़ी। और ये मैंने पानी की बॉटल रख रखी है क्योंकि नीचे आना जाना मुश्किल होता है, नीचे जाऊँगी तो कबूतर सारे गेहूँ खा लेंगे। और ये मेरा बेटा ना फिस देख के गया कि मम्मा आप बैठे हो धूप में, तो साथ साथ में इसको पीते रहो, तो पूरा तो मैं पीऊँगी नहीं, तीन चार घूंट भरे मैंने, तो बोले जब जितना पी सकते हो पी लेना आप, और धूप भी लग रही है आपको, क्योंकि धूप तो नहीं है, मैं छाया में बैठी हूँ मैं। और ये मैं राइस साफ करके रख डाल रही हूँ, तो मैं सोचा चलो एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर लेती है ना, बोलते ना एक पंथ दो काज, तो एक के साथ मैं दो काम कर रही हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो मेरा। तो शाम को देखती हूँ, वैसे आज सूखी जाएगी गेहूँ, तो शाम को मिलते हैं आपसे। तो आप सोच रहे होंगे ना कि इतनी बड़ी सिटी में रह के ये इतनी मेहनत क्यों कर रही है गेहूँ सुखाने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब अवेलेबल है, यानी कि हर तरह का आटा मिल जाता है, एक मक्की का आटा नहीं मिलता है। तो वैसे भी आपको पता है मार्केट का आटा कैसे रहता है, तो मैं गेहूं का सुखाने की इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं गेहूं नहीं खाली पिसवाती हूँ, उसमें और भी चीज़ें ऐड करती हूँ ताकि बच्चे अच्छे से खा सकें और बच्चों को एनर्जी मिले। तो वैसे भी बच्चे हर चीज़ खाने में थोड़े नखरे करते हैं, तो गेहूं में डाल के अगर उनको पिसवाया जाए तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो मैं जब गेहूँ पिसवाऊँगी तो आपके साथ पक्का शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ गेहूँ में। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू, हर हर महादेव।